On the behalf of Modern Cambridge School, I wish you a very good morning, dear students. आज हम लोग मैथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो मैथ्स चैप्टर 1, 3 and 4 डिजिट नंबर, ठीक है. चैप्टर का नेम क्या है? 3 and 4 डिजिट नंबर. तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि प्लेस वैल्यू क्या है, इसके बाद 3 and 4 डिजिट नंबर, 1 डिजिट लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 2 डिजिट, लार्जेस्ट 3 डिजिट, लार्जेस्ट 4 डिजिट, 4 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट 1 डिजिट, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, 4 डिजिट सब सीखा था. आज हम लोग सीखेंगे एक्सपांडेड फॉर्म, ठीक है. तो एक्सपांडेड फॉर्म क्या होते हैं? एक्सपांड मीन्स क्या होते हैं? एक्सपांड मीन्स कुछ नंबर को खींच के बड़ा करके लिखना है, ठीक है. एक्सपांड मीन्स क्या होते हैं? कुछ नंबर को खींच के बड़ा करके लिखना है. तो देखिए आप लोग, तो एक्सपांडेड फॉर्म बनाने के लिए हम लोग को पहले क्या चाहिए? प्लेस वैल्यू चार्ट चाहिए. प्लेस वैल्यू चार्ट नहीं होने से हम लोग एक्सपांडेड फॉर्म नहीं बना पाएंगे. तो पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेते हम लोग. और टी एच टी एच ओ मीन्स 1 प्लेस, टी मीन्स 10 प्लेस, एच मीन्स 100 प्लेस, टी एच मीन्स 1000 प्लेस. 1 प्लेस में ओनली 1 डिजिट नंबर रहेगा, 10 प्लेस में 2 डिजिट नंबर रहेगा, 100 प्लेस में 3 डिजिट नंबर रहेगा और 1000 प्लेस में 4 डिजिट नंबर रहेगा, ठीक है. लिख लेते हैं. 1 स्पेस में ओनली 1 लिखा, सिर्फ 1 नहीं होगा, 2 भी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक होगा. ओनली 1 डिजिट नंबर. 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट नंबर लिखा, जैसे 9 के बाद 10 आता है. तो 10 है 2 डिजिट नंबर का, 10 स्पेस में है 10, 100 में 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है 100, इसलिए 100 प्लेस में 4 डिजिट नंबर में आएगा 1000 प्लेस में, ठीक है. अभी हम लोग करेंगे एक्सपांडेड फॉर्म. एग्जांपल इस नंबर को एक्सपांड करना है. कैसे करेंगे एक्सपांड? देखिए 1, 2, 3, 4 4 डिजिट नंबर है, 5 ओनली 5 नंबर है 4 डिजिट. तो यहाँ पे देखिए 4 डिजिट नंबर था आपके प्लेस वैल्यू चार्ट में, 1, 2, 3, 4 1000 में 1000 प्लेस वैल्यू है. तो 5 के साथ 1000